जिनका मैं कई वर्षों से इस तट पर इंतजार कर रहा हूं। जल्दी चलिए भैया। प्रभु प्रणाम, कल्याण हो। देवर तुम इतने खामोश क्यों हो गए हो? सच सच कहो, तुम्हारे मन में क्या शंका है? जो भी बात तुम्हारे मन में है तुम मार मुझसे कह डालो। प्रभु कहने को तो बहुत कुछ है मगर कहा नहीं जाता। अच्छा यदि आप पूछते हैं तो मैं बिना किसी शक के कह देता हूँ। प्रभु मैंने सुना था कि आपके चरण स्पर्श करने से शीला नारी बन गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके चरण स्पर्श करने से मेरी ये कांच चुनाव कहीं घुमांतर ना हो जाए जिससे मैं अपनी रोटी से हाथ धो बैठूं। तो केवट बताओ कि तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है तुम और उसका उपाय कर लो। प्रभु है तो एक उपाय प्रभु जो आप मान ले है नाथ। इस दास का जो है संकोच उसे मिटा लेने दीजिए है नाथ। चरणों पे जो धूलि सारी है इस धूलि को धुला लीजिए है राजा। बताना मेरी रोजी में हो और बाधा ना आपके काम में हो। पद कमल कोमल की मैं धोकर निर्भय इन्हें कर लूंगा मैं। ये भी गोरे चीते हो जाएंगे और अपना भी मन भर जाएगा। केवट तुम बड़े ही समझदार हो और बहुत ही चलाक हो। अच्छा ठीक है, तुम अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लो। भैया जरा पूजा का सामान लेते आना। आज प्रभु बड़ी मुश्किल से काबू में आए हैं। आज मैं अपने सारे जन्मों के गुनाह बख्शा दूंगा।
Thank you.